मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स के बारे में। क्या इसकी कट ऑफ रह सकती है, इसके बाद में नए एम्स में क्या आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, पिछले साल इसकी कितनी कट ऑफ रही थी, कैसे कैसे सीटें वैकेंट रही थी, इस बार क्या संभावना है, तो पिछली बार से इस बार कुछ एम्स के लिए चेंज रहेगा, पिछली बार की तरह काउंसलिंग में जो कंडीशनें थी वो इस बार नहीं रहेंगी, काउंसलिंग करते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, ये सारा एम्स के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको हर बार की तरह आज भी बता देता हूं कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं, इसको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें मैंने सब कुछ समझा दिया है, उसमें काउंसलिंग प्रोसेस से जो लिस्ट है टॉप से लोएस्ट की, स्टेट वाइज आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सारी स्टेट की बुक में, ऑल इंडिया की बुक में, आयुष वेटनरी सभी बुक में समझा दिया, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एम्स की। तो एम्स एक रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट होता है, अपनी जगह एम्स का नाम होता है। जो नए एम्स हैं आने वाले समय में वो भी ओल्ड एम्स हो जाएंगे, पुराने एम्स हो जाएंगे, तो उनमें एक टैग लग जाता है कि आपने एमबीबीएस कहां से किया है, तो उसमें एम्स का नाम आता है कि मैंने एमबीबीएस एम्स से किया है। वैसे एम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो फैकल्टी है वो बहुत ही अच्छी होती है, और ये एम्स दिल्ली द्वारा ही इनको सभी एम्स को रन किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो ट्यूशन फीस है वो मात्र 1628 रुपीज है। इसके अलावा जो आपके हॉस्टल वगैरह के चार्जेस हैं वो 3000 रुपीज नियर बाई आते हैं इसमें, तो सबसे कम फीस होती है एम्स की। दूसरी बात, एम्स को हम इसलिए प्रिपेयर कर सकते हैं कि जो इनके हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो पेशेंट फ्लो है वो काफी ज्यादा है, तो आपको सीखने के लिए एमबीबीएस में काफी मिलेगा। और जो नए एम्स हैं जो 2020 में इंट्रोड्यूस हुए थे वो भी अभी आने वाले समय में पुराने एम्स हो जाएंगे, हालांकि कुछ एम्स दो तीन एम्स दूसरी जगह रन हुए थे, लेकिन इस बार से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तैयार हो चुका है और वो भी आने वाले समय में अच्छी कंडीशन में हो जाएंगे, अच्छे एम्स हो जाएंगे, अच्छे इंस्टीट्यूट हो जाएंगे। तो आप अपने स्टेट में अगर आपको ठीक सी कॉलेज, नई कॉलेज मिल रही है तो आप नए एम्स चुन सकते हैं अगर आपके मार्क्स थोड़े डाउन हैं तो। अब हम इसमें बात कर लेते हैं, मैंने आपको फीस के बारे में बता दिया। सीट इसमें 1899 सीट से टोटल 19 एम्स में, और इसकी जो कट ऑफ की हम बात करें तो सबसे डाउन कट ऑफ एम्स जम्मू की जाती है, एम्स जम्मू की सबसे डाउन कट ऑफ जाती है। तो एक बार मैं आपको यहां कट ऑफ बता देता हूं कि क्या क्या 21 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है इनकी। मैं यहां आपको सेकंड राउंड की कट ऑफ बताऊंगा जो ऑल इंडिया के साथ में राउंड होता है, इसके बाद में इसका मोपअप राउंड भी होता है एम्स का, और स्टे वैकेंसी राउंड भी होता है। तो मैं यहां पर आपको सेकंड राउंड तक कट ऑफ बताऊंगा क्योंकि सेकंड राउंड तक ही एम्स में आपको सीट ले लेनी है, मोपअप और स्टे का कभी रिस्क नहीं लेना है। तो चलो हम एक बार देख लेते हैं कि क्या कट ऑफ रह सकती है एम्स जम्मू जो सबसे लास्ट में मिलता है, उसकी 21 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो सबसे पहले हम यूआर कैटेगरी की बात करते हैं, तो यूआर कैटेगरी के लिए 625 मार्क्स कट ऑफ रह सकती है एम्स जम्मू जो लास्ट मिलता है। इससे पहले कौन कौन सा 2020 में पहले एम्स कौन कौन सा कितने नंबर पर मिला था ये मैंने पूरा बुक में समझा रखा है, तो आप बुक के हेल्प ले सकते हैं, उसमें इंस्टीट्यूट वाइज कैटेगरी वाइज दे रखा है, उसमें 15 मार्क्स आप एम्स के लिए कम कर सकते हैं। इस बार मैं बताऊं आपको एम्स के लिए 10 से 15 मार्क्स ही कम होने की संभावना है, तो 10 से 15 मार्क्स पिछली कट ऑफ से आप कम कर सकते हैं। अब हम यहां देखें यूआर कैटेगरी की 625 कट ऑफ रह सकती है। अभी एक बार मैं आपको पिछली साल का भी सीन बता देता हूं 2020 का। 2020 में क्या हुआ था, पहली बार काउंसलिंग हुई थी एम्स की ऑल इंडिया कोटा के साथ में,
तो उसमें स्टूडेंट को ये कंफ्यूज हो गया था कि मैं नए एम्स लूं या फिर अपने स्टेट के नए कॉलेज लूं, कहां लूं। तो उसने सेकंड राउंड में या मॉपअप राउंड में सीट तो ले ली थी, लेकिन फिर उसको स्टेट में कहीं ठीक सी कॉलेज मिली तो वो नए एम्स की सीट छोड़ दी थी उसने। तो जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड हुआ था लास्ट में, जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड हुआ था एम्स दिल्ली द्वारा कंडक्ट करवाया गया था, उसमें 119 यानी कि 119 सीट वैकेंट रही थी। हर एक कैटेगरी की सीट इसमें वैकेंट थी और ये काफी डाउन पर मिल गया था। काफी डाउन का मतलब स्ट्रे वैकेंसी राउंड में देखें, हम जम्मू का देखें तो यूआर कैटेगरी में 610 पर मिल गया था, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 609 पर मिल गया था, ये एससी की कंडीशन में 506 पर मिल गया था, एसटी वाले कैंडिडेट को 484 मार्क्स पर मिल गया था। तो ये काफी डाउन गया था स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। तो इस साल ये सीन नहीं रहने वाला है, इस साल इतनी सीटें वैकेंट नहीं रहेंगी एम्स में, बहुत कम सीटें रहेंगी। तो आपको स्ट्रे वैकेंसी तक बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। दूसरी बात, जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जो पुराने एम्स की भी सीटें दो तीन सीट या पांच सीट के नियर बाई वैकेंट थी, तो उसमें एम्स जोधपुर भी 623 पर मिल गया था, एक सीट यूआर की वैकेंट थी उसमें। तो ये क्या होता है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड या मोपअप राउंड होता है वो रिस्क वाला राउंड होता है। उसके अंदर वो कैंडिडेट एडमिशन लेते हैं, वो कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं जो ये सोचते हैं कि अगर हमें अच्छी कॉलेज अच्छा एम्स मिलेगा तो लेंगे, अदरवाइज हम दोबारा तैयारी करेंगे। वो थोड़े से कट ऑफ से ऊपर वाले स्टूडेंट होते हैं। तो देखते हैं हम, जैसे एक और देखें हम, 623 मार्क्स पर पिछली बार केजीएमसी मिल गया था स्टेट काउंसलिंग से मोपअप में। तो ये क्या होता है, एक रिस्क वाला काम होता है, आपने रिस्क नहीं लेना है, साल बर्बाद नहीं करना है। अगर आप तैयारी करोगे तो एमबीबीएस में आपको जो भी इंस्टीट्यूट मिलेगा उसमें आप अच्छी तैयारी करके पीजी में एडमिशन ले सकते हैं, अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, जो उसमें मिला था रायपुर और भुवनेश्वर, ओबीसी में 611 पर मिल गया था स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। ओबीसी कैंडिडेट को ऋषिकेश या भोपाल 612 मार्क्स पर मिल गया था, यानी कि ये जो स्ट्रे में मिले थे ये एक दो सीटें ही वैकेंट थी और कम मार्क्स पर मिल गई थी। तो मैं फिर बता रहा हूं कि आपको स्ट्रे वैकेंसी तक रिस्क नहीं लेना है। आप ज्यादा से ज्यादा अगर सेकंड राउंड भी छोड़ के रिस्क लेते हैं तो आप मोपअप तक रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया के जो सेकंड राउंड तक सीटें, सेकंड राउंड के बाद की जो सीटें हैं वो स्टेट में चली जाती हैं, लेकिन एम्स का मोपअप राउंड होता है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हम बात करें यूआर के बाद में ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी की 623 या 22 कट ऑफ रह सकती है एम्स जम्मू के लिए। जो लास्ट एम्स है वो जम्मू के लिए हम इतनी कट ऑफ मान सकते हैं 623। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की अगर हम देखें तो 620 मार्क्स पर इस बार मिल सकता है, ये मैं आपको सेकंड राउंड की कट ऑफ बता रहा हूं। मोपअप में इससे भी थोड़ा सा डाउन जा सकता है, लेकिन मोपअप में इस बार भी सीटें कम रहेंगी, स्ट्रीम में सीटें और भी कम रहेंगी इस साल के लिए। अब हम बात करते हैं एससी कैटेगरी, तो 540 मार्क्स पर एससी कैटेगरी में सीट मिल सकती है, और एसटी कैटेगरी की बात करें तो हम 515 मार्क्स पर आपको सीट मिल सकती है। तो ये कट ऑफ रह सकती है एम्स जम्मू के लिए, एम्स जम्मू के लिए ये कट ऑफ रह सकती है, और इससे अप कट ऑफ भी रहेगी बाकी एम्स के लिए। तो आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, आप जिस स्टेट में हैं, आपके जिस स्टेट में एम्स है उसमें आप देख लें कि कौन से एम्स में आपका नंबर आ सकता है, तो आप उसमें इस प्रकार से एडमिशन ले सकते हैं। फिर बोलता हूं, एम्स अच्छे इंस्टीट्यूट होने आने वाले टाइम में अच्छे इंस्टीट्यूट होंगे, तो आप अगर आपको चांस मिलता है, इनमें मौका मिलता है एडमिशन का, तो एडमिशन लेके एमबीबीएस करें इसमें। तो ये एक छोटी सी नॉर्मल सी जानकारी थी एम्स के बारे में। बाकी जैसे जैसे काउंसलिंग की डेट आएगी, टाइम आता जाएगा, हम आपको बाकियों के बारे में भी जानकारी देते जाएंगे। तो मिलते हैं नई अपडेट के साथ नए वीडियो में। जाते जाते फिर यही बोल रहा हूं कि बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, बड़ी मेहनत से रात दिन करके मैंने, रात दिन एक करके ये बुक बनाया है, तो आपको डाउनलोड करनी चाहिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगी। तो दोस्तों मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।